गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं दिलवाला ब्लॉग्स। तो गाइस जैसा कि आपने इंट्रो में देखा ही होगा, दिस इज माय फर्स्ट डे इन सऊदी अरेबिया। तो अभी तो फिलहाल हम लोग क्वारंटीन में हैं, 5 दिन का क्वारंटीन है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। आगे का हाल जानने के लिए मेरे साथ वीडियो बने रहिए और आने वाले वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि आप जो आने वाले हैं यहाँ पर उनको उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ होंगी ये। क्योंकि वो लोग जब मैं भी आ रहा था, मुझे भी दिल में था कि क्या होगा क्या नहीं कैसे होगा। मैंने एक वीडियो एयरपोर्ट की डाली थी, जिसको जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे थे वो वीडियो देख सकते हैं जाकर, आपको फुल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिलेगी। तो ये है सऊदी अरेबिया का फर्स्ट डे मेरा आज। तो अगर आप लोगों को आगे के दिनों के बारे में जानना है तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप देख सकें। तो मिलते हैं आगे के दिन में, क्योंकि अभी तो उठाऊँ मैं सो के, अभी फ्रेश होऊंगा, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। तो चलिए मिलते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर हम लोगों का सुबह सुबह नाश्ता आया है। तो नाश्ते में क्या है आई डोंट नो, ये है कुछ दाल टाइप का है। गाइस खाने की बात की है तो मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि हम लोग ये है कुछ समथिंग भुर्जी लग रही है। अब यहाँ पर कुछ रोटियाँ आई हैं। और गाइस खाने की बात की जाए तो खाना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि रात में कुछ आया था तो वो मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन अब देखते हैं सुबह का खाना कैसा है कैसा नहीं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा थंबनेल में, आज हमारा सऊदी अरेबिया में फर्स्ट डे है। तो देखते हैं कैसा दिन होता है कैसा नहीं, बाहर जाने को मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि आई डोंट नो यहाँ का बाहर का व्यू कैसा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो कभी मालूम भी नहीं है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा है, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में देखते हैं। तो आज का नींद तो आई नहीं है गाइस, क्योंकि रात में लगभग 2:30 बज गया था, उसके बाद मैं सोया हूँ तो 4:30 बजे नींद खुल गई है। अभी मैं काफ़ी देर पहले उठ गया था लेकिन वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने घर पे कॉल किया घर वालों को बताने के लिए कि हाँ मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं ये है क्वारंटीन लाइफ। अगर आप इंडिया से सऊदी अरेबिया फर्स्ट टाइम आते हैं तो शायद आपको 5 दिन का क्वारंटीन सऊदी में रख सकते हैं, या फिर 15 दिन का क्वारंटीन दुबई में रख सकते हैं। तो आई डोंट नो आपको कहाँ पे, क्योंकि वो डिपेंड होता है आपकी एयरलाइंस के ऊपर, एयरलाइंस ही सब कुछ अरेंज करती है। तो मेरा तो गो फर्स्ट से था, तो मेरा सऊदी अरेबिया में 5 दिन का क्वारंटीन है, उसके बाद मेरा PCR होगा, फिर मैं बाहर जा सकता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और भी इंफॉर्मेशन के लिए, मैं दूंगा कि क्या होगा आगे क्या नहीं, क्योंकि सुना है कि अभी दोपहर तक कोई RT-PCR के लिए आएगा चेक करने के लिए, फर्स्ट डे, उसके बाद लास्ट डे। देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। गाइस अभी नाश्ता हो गया है, नाश्ता कल के कंपैरिजन में अच्छा था। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि उसके साथ भुर्जी थी, भुर्जी नहीं होती थी ना तो नाश्ता नहीं अच्छा लगता था। और जो लोग भाई लोग आने वाले ना, उनसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके रूम में आपको पानी गर्म करने की सुविधा मिलती है ना, प्लीज़ आप पानी 5 दिन गर्म करके पीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद पानी चेंज हो रहा है। तो लोगों को जो मेरे साथ और लोग भी थे उनके जुकाम हो रहा है। सो आप लोग अगर आएंगे यहाँ पर ना तो प्लीज़ पानी गर्म करके पीजिएगा, तो आपको 5 दिन तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं जब से आया हूँ मैं पानी पी रहा हूँ, मेरे बगल में एक रूम में 2 लोग और हैं, तो उन्होंने ऐसे मतलब सादा पानी जो आता था वही पीते थे, तो अभी उनके तगड़ा जुकाम हो गया है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं नए हैं तो जहाँ पे भी आप रुकेंगे होटल में, तो शायद आपको पानी गर्म करने का कुछ गैस या फिर माइक्रोवेव या फिर कुछ भी मिलेगा, और बर्तन मिलेंगे, तो आप पानी बर्तन गर्म करके पीजिएगा। ये देखिए कल रात वाला खाना आया है फिर ये खाना खा के इंसान मर नहीं जाए।
इसके साथ चटनी वटनी है कि नहीं है? नहीं चटनी नहीं दिया है। फिर ये क्या है? 2000 years later. तो गाइस देख लो, ये उबला उबला चिकन है और ये इसके साथ कुछ उबली उबली दाल है। तो यही है क्वारंटीन लाइफ, एंजॉय। आना तो यही मिलेगा, और हो सके तो अपने घर से अचार लेके आना, तो शायद आपके आप इसको खा सके, वरना मेरी तरह गलती मत करिएगा, सादा सादा खाना पड़ेगा, हो सकता है आप खा ही ना पाए इसको। यार गाइस अभी एक शॉर्ट हो गया है। एक्चुअली मैं टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते अपने आप बंद हो गई, चली नहीं रही है। एक तो दिन नहीं कट रहे, ऊपर से टीवी भी खराब हो गई। अब क्या किया जाए? नीचे बोला है भाई टीवी बंद हो गई, बोला अभी देख रहा हूँ आके, अगर नहीं सही हुई तो 3 दिन कैसे कटेंगे। गरीबी में आटा गीला। एक तो दिन नहीं कट रहा है टीवी देख देख के, एक तो पहली चीज तो इस टीवी में कुछ आता ही नहीं है, जितना है सभी अरबी लैंग्वेज में आता है। सिर्फ एक चैनल है जो इंडियन है, उसमें पुरानी पुरानी मूवीज आती हैं जो कि देखते हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, बंद ही हो गई, चली ही नहीं रही। 8:01 PM. गाइस अभी खाना आया हुआ है तो आप देख सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको खाने में क्या क्या है। ये है ये चावल है, और ये सब्जी है, बहुत ही सादी सादी सब्जी है, और इसमें चिकन भी पड़ा हुआ है, और ये यहाँ पर रोटियाँ मिली हैं, ये लो ली, और ये कुछ चटनी टाइप का है वाइट, लखा लिया और फूला साथ में है। पानी है, और ये आपको सुबह दोपहर शाम आपको मिलता रहेगा। सुबह नाश्ते की बात की है तो नाश्ते में मुझे कुछ रोटियाँ और दाल और 2 अंडे मिले थे, और अभी ये खाना आया है तो आपने देखा यहाँ की क्वारंटीन में कैसा खाना मिलता है। पैसा तो हमारा ही लगा है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। गाइस बात की जाए खाने की, तो मैंने कल रात में खाया था बट मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि हम लोग क्या है खाना खाते हैं बहुत ही तेल मसाले वाला खाना, बट ये बहुत ही नॉर्मल एकदम सादा खाना है, और ये देख सकते हैं इसके अंदर पूरा खाना आता है, इसके अंदर चावल आता है जिसके साथ ये मिलती है। आप इसको बिछाइए अरे खाइए, उसके बाद सभी चीज़ पैक करके उस पन्नी में इसको ही फेंक दीजिए। मुझे ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये मिल देते हैं साथ में, आप बिछा के आराम से खा सकते हैं, कुछ गिरेगा नहीं आपके बेड पर या फिर कहीं पर भी, उसके बाद फोल्ड करिए और फेंक दीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। गाइस जैसा कि अभी मैंने आपको खाना दिखाया था और बताया भी था, आई डोंट नो कैसा खाना है कैसा नहीं, लेकिन खाने के बाद मुझे तो अगर खाने में रेटिंग दी जाए ना तो 10 out of मैं 10 में से उसको 2 नंबर दूंगा, क्योंकि बॉयल्ड राइस थे और जो उसका ग्रेवी थी आई डोंट लाइक, बिकॉज इतनी मतलब कि वो थी कि अच्छी ही नहीं लग रही थी वो, और यही है क्वारंटीन लाइफ, अगर आपको आ रहे हैं तो आपको ऐसे ही बितानी पड़ेगी लाइफ। और मैंने जैसे कि आप लोगों को सजेस्ट किया था, अगर आप आ रहे हैं ना तो जैसे कि आपको अगर बाय द वे आपको ऐसा खाना मिलता है तो आप साथ में अचार जरूर कैरी करें, ताकि आप लोगों को अगर ऐसा खाना मिलता है तो आप अपने अचार के साथ ग्रेवी में मिला के खा सकते हो, थोड़ा आपको टेस्ट मिलेगा, वरना आप हो सकता है भूखे भी सो सकते हैं 5 दिन, और फिर क्या होता है आगे क्या नहीं हो तो आप ही जानेंगे, क्योंकि अब आपको कहाँ होटल मिलती कहाँ नहीं मुझे तो मालूम नहीं है। तो और बात की जाए तो मैंने जब से मैं आया हूँ मैं सिर्फ एक चीज़ सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, वो है चाय, क्योंकि जो टी लवर्स होते हैं ना उनके लिए चाय उनकी लाइफ में कितनी अहमियत रखती है वो हम ही लोग जानते हैं। अगर आप लोग चाय पसंद करते हैं तो आपसे आज से मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने साथ थोड़ी इतनी चीनी और चाय पत्ती ले आएँ कि आप रूम में चाय बना के पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रूम मिलेगा ना उसमें आपको गैस भी मिलेगी, आपको एक दो बर्तन भी मिलेंगे,
जिसमें आप चाय बना सकते हैं। तो मैं हमसे तो गलती हो गई है, अब क्या कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन आप लोग गलती मत करिएगा, चाय पत्ती लेके आइएगा और हो सके तो शक्कर लेके आइएगा थोड़ी थोड़ी, 5 दिन, इतना कि 5 दिन चल जाए। उसके बाद अगर आपको, अगर दूध वाली चाय पिए तो एक वो वाला पाउडर आता है, दूध वाला पाउडर आता है ना, उसको ले लीजिएगा, ताकि आप लोगों को और अच्छी लगे चाय। अगर आप काली चाय पी सकते हैं तो काली चाय पी लीजिएगा, शक्कर और चाय पत्ती ले आइए, बनाइए, पीजिए। और मुझे तो बहुत मिस कर रहा हूँ मैं चाय को, क्योंकि मैं चाय नहीं पी पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं। तो यहीं तक था मेरे वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिए, नए तो सब्सक्राइब करिए, दिस इज़ माई न्यू चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आने वाले ब्लॉग को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टू टाइम। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।